यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। देख, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, बाद में पछताते हैं। मुझको ये लफड़ाने चाहिए, तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो बता, शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी? घर चलाऊंगी। घर नहीं तो क्या अनाथ आश्रम चलाएगी? ये तो मुझको मालूम है। घर कैसे चलाएगी? उधार लेके चलाऊंगी। सारा देश इस वक्त यही कर रहा है, तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी? नहीं नहीं, सुबह उठकर तू क्या करेगी? ले पकड़। पकड़ा। अंगड़ाई लूंगी। अंगड़ाई लेगी, जमहाई लेगी, सब कुछ करेगी, उससे मुझे क्या लेना देना। काम की बात बोल। सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी। है? मतलब मुझको छोड़ देगी? क्यों? अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती, पति शादी के बाद परमेश्वर होता है, सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना। हाँ, समझ गई। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी, मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना? हाँ हाँ जरूर। चल यहाँ तक तो सब ठीक है, अब असली बात बता। रात को क्या करेगी? रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी। फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा, हर बात में खाना घुसेड़ देती है। अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी? सो जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? सो जाऊंगी। तो फिर तू ही बता क्या करना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझाता हूँ, अपन एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? अरे ओ हरामजादी चुड़ैल, उधर क्या फुसला मार के बैठी है, इधर आ। देखती नहीं मैं थका मांदा आया हूँ? हाय राम, कितने थके मांदे लग रहे हैं, शरीर से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी? ऐसा क्यों पूछ रही है, खाना पकाया या नहीं? कल की बासी खिचड़ी है, परसों की दाल पड़ी है, ज्यादा खराब नहीं हुई, पड़ोस का कुत्ता उसने मुंह मार के गया है, कहो तो गरम करके ला दूं? शर्म, छोरी इधर आ। तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ? शर्म दादी, कोई काम नहीं करती। निया बेचारा थका मांदा घर आया है, न खाना पकाया, न खाना खिलाया, न बिस्तर बिछाया। चलो उठ, उठ, पत्ती बनकर, और इधर आके जरा मेरे पैर दबा। चल। अरे अरे ये गधे के लाल, हट। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे हट हट हट। अरे मेरे को क्यों मारा ये? उधर मार गधे को। इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है। मक्खी चूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। सड़ा हुआ कद्दू, मुझे बीवी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना आता। अरे तुम्हारे ने, उसे क्यों मार रहे हो? अरे अरे उसे भागने क्यों दिया? हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था, भागने क्यों दिया? पटक पटक के मारना था, वो 50 किलो का आदमी है को खाली थैली नहीं जो पटक पटक के मारता, और तुमने मुझे दम छोड़ा कहा जो पटक के मारता। खाली रुमाल उठाता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। अच्छा ये सुना, बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबाओ ना। क्या मैं दबाऊ? शर्म नहीं आती? देखा नहीं मेवालाल अपने माशुका के कैसे पैर दबा रहा था। चलो हटो। हाँ चलो शुरू हो जाओ। लानत है हम जैसे मर्दों पर, बीवी के पर। जीजा जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इसके पैर की रेखा देकर इसकी तकदीर बता रहा था। मुबारक हो जीजा जी, ललिता को यानी कि लड़का पैदा हुआ है। हे भगवान, हमारी तीर्थ यात्रा बेकार नहीं गई, सफल हो गई। लेकिन भैया, वो हरामजादी मनहूस लक्ष्मी भी तो गर्भ से थी, उसका क्या हुआ? उसका बेटा तो पैदा होते यानी कि मर गया।